नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन की। हम जब भी म्यूजिक प्रोडक्शन की एडवांसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा यही बात करते हैं कि पुराने जमाने में उतने इफेक्ट नहीं होते थे, आजकल देखो कितने सारे साउंड इफेक्ट्स आने लग गए हैं। उसका रीजन क्या है? पहली बात, ऑडियो इंजीनियरिंग तब भी एग्जैक्टली सेम थी जो आज है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस जमाने में हाथ सिर्फ दो होते थे सिंथेसाइजर के ऊपर, म्यूजिशियन ज्यादा से ज्यादा दो हाथों से ही इफेक्ट दे सकता था। अब हमारे पास है ऑटोमेशन, पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी नॉब्स आपको नजर आती हैं बिना हाथ लगाए हम उनको मूव कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे ऑटोमेशन। आइए देखें किस तरह से। सबसे पहले मैं लेता हूं एक, चलिए एफएल कीज ही लेते हैं, राइट क्लिक पियानो रोल, ये मैंने कॉर्ड्स लगाई है। ये कॉर्ड्स अगर आपसे अभी नहीं लगती है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आगे जाके म्यूजिक थ्योरी पढ़ेंगे। मैं बाहर आता हूं, मेरे पास है ये। अब हम बात करेंगे ऑटोमेशन की। तो हम किसी भी नॉब के ऊपर अगर जाते हैं, चाहे ये हो गई मेरी वॉल्यूम नॉब, ये हो गई मेरी पैनिंग नॉब, चाहे कोई भी नॉब हो गई, अगर हम उसके ऊपर करते हैं राइट क्लिक, तो राइट क्लिक करने से हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। पैटर्न वन पे क्लिक किया, मेरे सामने है ये, मैं वापस इसे खोलता हूँ, इस पर किया मैंने राइट क्लिक, यहाँ किया मैंने क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप और मेरे पास एक ऑटोमेशन क्लिप आ गई है जिसके ऊपर लिखा है एफएल कीज चैनल वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम की ऑटोमेशन है। मैं इसे यहाँ से जूम करता हूँ, देखते हैं 0 to 100 ये कहाँ दिखा रहा है, जितना वॉल्यूम पहले था। जब मैं इसे मूव करूंगा आप हिंट पैनल में देख सकते हैं, ऊपर नीचे करूंगा, अभी 78% पे है, ये हो गया 100, बिल्कुल नीचे जाता हूं तो ये हो गया 100। राइट क्लिक, डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड वापस आ जाएगा, इसे पकड़ा, राइट क्लिक, ये मेरा कंट्रोल पॉइंट है, अगर मैं इसे यहां से डिलीट कर सकता हूं, मैं इसे पकड़ के आगे पीछे मूव भी कर सकता हूं और वापस वहां भी लेके आ सकता हूं। थोड़ा जूम किया, अब ये कंट्रोल पॉइंट, मैंने पहला कंट्रोल पॉइंट पकड़ के कर दिया एकदम 0 और ये वाला चाहे उतना ही रखा चाहे ऊपर लेके गए, इससे मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा एक क्रिसेंडो क्रिएट करेगा। किस तरह से? आप देख रहे हैं धीरे 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 वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है। इसे वापस उठाया, मैं ऊपर लेके गया, अब मैं चाहता हूं मेरा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा शफल करे। किस तरह से? ये मैं ले गया ऊपर, यहां से आना चाहिए नीचे, राइट क्लिक, जब मैं राइट क्लिक करूंगा और उसे पकड़ के ही रखूंगा, मैंने छोड़ा नहीं है, राइट क्लिक मैंने किया हुआ है और ये मेरा कंट्रोल पॉइंट मेरे हाथ में आ गया है, जहां भी जाके मैं इसे छोड़ूंगा, मैंने यहां छोड़ा, ये वहां आ गया है। इसको अगर मैंने वापस मूव करना है तो फिर मैं लेफ्ट क्लिक से मूव करूंगा, राइट क्लिक से आएगा नया, आप पकड़ के रखें, ड्रैग करें, एक बार उसे छोड़ दिया, दोबारा मूव करना है, दोबारा से मूव करने के लिए फिर इसको आप लेफ्ट से पकड़ेंगे, राइट 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 राइट, कहीं भी क्लिक करते जाएंगे बनता जाएगा, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड, वापिस 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 वापिस, ये होता जाएगा अंडू, राइट क्लिक, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अब इसे एक राइट क्लिक से यहाँ पकड़ा, इसको पकड़ के किया मैंने नीचे, फिर से नीचे, ये फिर आ गया ऊपर, ये फिर पकड़ा, अब ये नीचे, ये फिर राइट क्लिक से नीचे, ये राइट क्लिक से ऊपर, ये ऊपर राइट क्लिक से, ये राइट से नीचे, राइट से नीचे, राइट से ऊपर, अगर कहीं और क्लिक बच गया है या एक्स्ट्रा बच गए हैं, अंडू, ये मुझे वापस लेना था, लेफ्ट क्लिक से पकड़ के वापस जहां मुझे चाहिए था, ये वहां आ गया, जहां भी आपको चाहिए राइट क्लिक और ये राइट क्लिक, इसे पकड़ा मैंने, पीछे कर दिया, ये भी इसे एक बार क्लिक किया, कॉपी पेस्ट अपने आप हो गया, देखते हैं क्या करता है।
तो एक तरह से ये गेटिंग इफेक्ट कर रहा है। गेटिंग एग्जैक्टली क्या है हम आगे जाके सीखेंगे, फिलहाल आप ये देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम ऑफ। और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मेरी वॉल्यूम नॉब के साथ एग्जैक्टली क्या कर रहा है, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब ये मैं अपने हाथ से नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। इसलिए पुराने ज़माने के हिसाब से अगर आज की बात करें इफ़ेक्ट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मैं जितनी भी नॉब्स हैं, जितनी भी नॉब्स मैं कहीं भी जाऊँ किसी में भी जाऊँ, इसके मैं अंदर जाता हूँ, ये जितनी भी नॉब्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे कि साउंड डिज़ाइन के वक्त ये क्या क्या करती हैं, किसी पर भी राइट क्लिक करो, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ये सारी मूव कर सकती हैं मेरे अपने हिसाब से, और मेरे दोनों हाथ एकदम फ्री होंगे एक बार अगर मैंने सही ऑटोमेशन क्लिप लगा ली। अब मैं इसका थोड़ा और एक देखता हूँ, ये आ गया मेरा पैनिंग, इसको भी क्या क्लिक, राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ये मेरे पास आ गई है, ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे करूँगा तो आप यहाँ से देखेंगे हिंट पैनल में 100% 0%, ये मेरा लेफ्ट राइट बता रहा है। इसको मैंने पकड़ा यहाँ और इसको कर दिया इधर, फिर पकड़ा यहाँ राइट क्लिक से इधर, बस इतना बहुत है। इसे किया पीछे, एक बार इस पर किया क्लिक, सिंपल क्लिक किया और ये कॉपी पेस्ट हो गया। देखते हैं, अपने आप ऑटोमेट हो रहा है, पैनिंग हो रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब आप दोनों नॉब्स को देखेंगे, मेरे हाथ एकदम फ्री हैं। तो ये है ऑटोमेशन। अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसी भी गाने का, चलिए मैंने ये एक गाना यहां खोल रखा है, इसे हम सुनते हैं। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम इसका रखता हूं कम, आप देख रहे हैं टट 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 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, वो किस तरह से हो रहा है, वो गेटिंग हो रही है। उसे आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एक मैंने यहां पर पियानो रोल में कोई मेलोडी बनाई टा 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 ना ना ना, उसके बाद ऑन ऑफ ऑन ऑफ टट 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 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और इसके साथ आप और भी बहुत कुछ खेल सकते हैं। हम अगले ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं राइजर या फिर अपलिफ्टर की, उसके अंदर भी आप देखेंगे ऑटोमेशन किस तरह से काम करती है। जैसे जैसे हम म्यूजिक प्रोडक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेशन अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते।